देखो एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता दूं जाने से पहले, 2 मिनट की बात है। कई सारे स्टूडेंट्स जो अभी इस बैच में हैं उन्होंने प्रीवियस बैच का एग्जाम दिया होगा और परसेंटाइल से दूर होंगे, ठीक है। और आप लोगों को फिर से मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ना बनना एक इल्यूजन में। स्टूडेंट्स बहुत सारे मेरे पास जो है क्वेरीज आ रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स मेरे अभी मैं जो है मिला भी था, ठीक है, अपने एक्चुअली मुझे पता नहीं था, कुछ लोग जानते थे इर्द गिर्द मेरे लोकल जो है जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरे घर के आसपास, तो वो लोगों को पता चला जो है मेरे पापा से, उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने बुला लिया था कि मैं पर्सनली गाइड करने के लिए बोले थे सर गाइड कर दो आप अगल बगल के रहने वाले। और ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट्स और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके स्टूडेंट्स की बात करो, सभी स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है कि वो कभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अगर क्वेश्चन नहीं बना है या क्वेश्चन नहीं आया है तो लेवल आपका कम है, CSIR का ज्यादा नहीं है। वो उसका लेवल वही है और वो वही रखेगा अपकमिंग एग्जाम में भी। आपको क्वालिफाई करना है तो आप अपने लेवल को जो है वो ऊंचा करो। सीधा सा मतलब यह है कि अगर एक नदी बह रही है और नदी को जंप करके आपको इस पार से उस पार जाना है तो नदी छोटी नहीं होगी, वो वैसी ही रहेगी। आपको अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, इट्स द फैक्ट। आइदर यू ब्लेम की नहीं CSIR, जो बच्चे मैं 99% बच्चों के एटीट्यूड की बात करूं, सो व्हाट दे सेड दैट CSIR इज डिफिकल्ट, दिस यूनिट इज डिफिकल्ट, दिस इज उसको डिफिकल्टी लग रहा है सब कुछ, तो वो कभी किसी माइंड के लेवल पे इजी कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसे ये कभी नहीं लगता है कि कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, मैंने अपने आप को उस लेवल का तैयारी नहीं की। जो बच्चा ये माइंड सेट लेके पढ़ेगा डेफिनेटली उसको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। पहली बात आपको ये जानना जरूरी है कि आप ही के अंदर कमी है और आप ही को अपने कमी का मतलब उस तरीके की कमी नहीं, कहने का मतलब आप ही को स्किल इंप्रूव करना है, आप ही को छलांग मारनी है, आप ही को अपना स्किल बढ़ाना है, किसी और को नहीं। और आप दूसरे पे ब्लेम डालते चले जाओगे तो जिंदगी भर डालते रह जाओगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी एनालिसिस मैंने किए हैं पिछले कुछ दिनों में और अपनी पूरी जो टीचिंग जर्नी से, उसे एक चीज मुझे पता चली कि मतलब जो फाइनल कंक्लूजन है वो है स्टूडेंट का सही तरीके से ना पढ़ाई करना। और तरीका कुछ भी नहीं होता, तरीका है सिर्फ थोरोली स्टडी करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल हर कोई शॉर्टकट और जल्दीबाजी के जमाने में पढ़ाई कर रहा है, मतलब दे वांट दैट कि बिना पढ़े CSIR हो जाए, तो इससे अच्छी चीज कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इसको जब अक्सर लोग 2x की स्पीड में देखेगा, आप कई लोग जो है PDF को ऐसे पलटेगा या पेज को अगर प्रिंट करा रहे तो ऐसे पलटेगा जैसे सिर्फ थ्योरी एग्जाम लिख के आना हो। सेमेस्टर वाली पढ़ाई यहाँ करोगे तो लिटरली आपका CSIR का क्वेश्चन नहीं बनेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर मुझे आता तो सब है, समझ में सब आ गया, क्वेश्चन नहीं बन रहा। और इस इल्यूजन से अगर बाहर निकलना है, और ये एक सबसे बड़ा झोल है जो आप अपने आप से बोलते हो, झूठ है जो आप अपने आप से छलावा करते हो। इफ यू रियली वांट टू क्लियर CSIR यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी थॉरली। थॉरली का मतलब अच्छे से पढ़ो, ऐसे पढ़ो जैसे आपको ABCD भी ना आती है। ऐसे पढ़ो रेस्पिरेशन को, ऐसे पढ़ो डेवलपमेंटल को, ऐसे पढ़ो इकोलॉजी को कि इवन यू डोंट नो ई ऑफ द इकोलॉजी। अगर इस माइंडसेट से पढ़ोगे तो आप एक एक टर्म को पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, समय देके पढ़ोगे। मे बी इट टेक्स टाइम, मे बी ये 1 महीना ज्यादा ले ले, 2 महीना ज्यादा ले ले, लेकिन अगर आपने हर यूनिट को डिटेल में ढंग से पढ़ने की कोशिश करी, ढंग से मतलब ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो एनीथिंग, हर चीज को अच्छे से समय देके, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में पढ़ रहे, क्योंकि आजकल के बच्चों का अप्रोच देखा है हर कोई जल्दी में लगा हुआ है। अगर आप सब्र रख के समय देके एक बार पढ़ने की कोशिश करो, भले ही 2 महीने में 2 यूनिट करो लेकिन ढंग से करोगे ना तो वो 2 यूनिट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन की जरूरत पड़ेगी लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग सोचिए 6 महीने पढ़ने के बावजूद भी फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है हर टॉपिक में और आधा लॉजिक क्लियर ही नहीं है, इसका मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपके बेस में जो है दिक्कत है। अगर आपने बुनियाद अच्छे मजबूत कर ली, इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स, अगर आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो उसके ऊपर चाहे कोई भी एग्जाम हो आप क्रैक करते चले जाएंगे। इट्स अ सिंपल सजेशन टू यू गाइस, अगर आपको क्वालिफाई करना है, बाकी तो आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आपका जो है करियर है, लेकिन इफ यू रियली वांट टू क्लियर CSIR और एनी एग्जाम आप अपने बेसिक्स पे ध्यान दो, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, थिंक लाइक यू हैव नथिंग, यू डोंट नो नथिंग, ठीक है, थिंक लाइक दैट एंड स्टार्ट रीड लाइक दैट कि आप एक बिगिनर हो, आप एक रिपीटर, आप एक कुछ नहीं हो, आप एक एक लाइन पढ़ो, एक एक टर्म पढ़ो। इफ आई राइट दैट कि ये कंफर्मेशन ये तो क्या है, ये अगर स्लाइड में नहीं है तो गूगल का जमाना है, ये करो और करोगे तभी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सच में तब समझ में आएगा, लैंग्वेज तब समझ में आएगा, कीवर्ड्स तब समझ में आएगा। ये एक फाइनल कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ जो बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत सारे बच्चे आप जानते होंगे कि मैसेज करते हैं मुझे, करते होंगे, तो ये एक सजेशन है फाइनल कंक्लूजन के तौर पे। अगर आप छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान रखोगे, अवेयरनेस को बढ़ाओगे और बेसिक्स पे ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है, चीजें एबिलिटी, वो दिन पर दिन बढ़ेगी, बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है। ये रहा सजेशन छोटा सा जो मैंने कुछ दिनों में ऑब्जर्व किया तो मैंने आपको बता देता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। थैंक यू सो मच।